और झूमता मौसम मस्त महीना, गांव की गोरी एक हसीना, आंखों में काजल मुंह पे पसीना, या लल्ला ला कोई हसीना। फाइनल किया है और क्या? तुम्हारे मुख से मुझे बहुत सब अच्छा लगा, हमारा दिल बहुत खुश हो गया बहन। तो तुमके सामने सुख रहती मैं खुशी सुनते और रहती मैं खुशी है, खुशी का हमारे ठिकाना वह बहना मेरी है, खुशी का हमारे बहन। भैया हम बहुत खुश हैं, और तुम एक बात ध्यान रखना, कॉलेज को जाना और अपने रास्ते जाना, अपने रास्ते आना और मेहनत के साथ में पढ़ाई करना। भैया आपकी मैं नसीहत ये कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन बचपन में मैंने माता पिता को तो नहीं देखा, जब होश संभाला तो माता पिता से बढ़के तुमने प्यार दिया। भैया आप ही मेरे माता हैं और आप ही तो मेरे पिता हैं। भैया माता पिता पिता भी तू पहला का अभिमान है तू, और तेरे सिवा मेरा कौन है भैया, तेरे सिवा मेरा कौन है भैया, पहला का अभिमान है तू, पहला का अभिमान ही मेरी बहन सुमन है, बहुत अच्छी पढ़ाई करती है, ये हमारी अकलौती बहन है। हमारी बहन के अलावा यहाँ संसार में हमारा कौन कोई नहीं, इसलिए हम पढ़ाते लिखाते हैं। और आज खेतों की तरफ चलते हैं, देखेंगे कौन फसल में पानी लगने को या पास पड़ने को है। बहुत बहुत अरे झूठ बोले कुतवा काटे और काली कुतिया से डरियो, और मैं कार्तिक माँ बौराऊंगी तुम देख कर। हमने तुमसे कहा था कि शहर शांतिनगर को चलेंगे, तुम साले यहाँ झूठ बोले कौवा काटे। मालिक तुम पीछे रहो नौकर, मालिक हमारी बात अच्छी तरीके से अपने भेजे में डाल लेना। बोलो मालिक, साथ में चल रहे हो लेकिन कोई गलती गुस्ताखी नहीं करोगे, अगर किया तो रास्ते से वापस अकेले आओगे। नौकर बढ़ाओ पैगाम, चलते हैं कॉलेज की तरफ। कैसे चलोगे? और झूमता मौसम मस्त महीना, गांव की गोरी एक हसीना, आंखों में काजल मुंह पे पसीना, या लल्ला ला कोई हसीना।
पे पसीना या ला 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 लेकिन भैया के आगे मैं कहता हूँ कि इतनी मैं जवान हो चुकी हूँ, इस उम्र में मेरी अगर शादी हो जाएगी ना, अपने प्यार से तब प्यार करूंगी, वो भी मुझे याद करेंगे। हाँ, रात को जब सोती हूँ तो रात को नींद नहीं आती, सन सन रात होती है। हाँ, ओ रतिया चला ना ना होए मोरे, भी रहे हो तू? हाँ, हाँ, लोड़ी अब तक हमारे बाहर में। हाँ, क्यों नहीं, नौकर लड़की कॉलेज की तरफ जा रही है, चलो पढ़ाओ पैगाम, लड़की हाथों से नहीं जाना चाहिए, इसकी आवाज में हमें दम है। क्या इसके गोरे गोरे गाल, गालों पे काला तिल, ओठों पे लिपस्टिक, मेरा दिल कहता है नौकर से बहुत बढ़िया लगी नहीं लिपस्टिक रे नौकर है बनवा मरा हो है बनवा मरा धर्माई तैली हो ढोली सुरतिया चाहते तू चले हमें क्यों पकड़ लेता है? तुम यार नहीं निकलते दे तो नौकर मालिक तेरे वजह से आज काम बिगड़ गया है, अगर लड़की ना मिली तो लड़की वाला काम हम तुमसे निकालेंगे मादरचोद, हमरा कहना मानो, एक तरफ का रास्ता तुम रोक लो, की तरफ का मैं रोक लूंगा। लड़की चाने ना पाए इसको रास्ते में दबोच लेते हैं, लेकिन नौकर चलते हैं इसके पास, इसका नाम पता जरूर पूछ कर रहेंगे। चलो और चाहे तू बता और चाहे ना बता, दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम बता, दीवाना ए तू बता चाहे ना बता, दीवाना पूछ लेगा। क्या देख रहे टुक टुकरा, मैं तो तुम्हारी मौसी लगते रिश्ते में और चरखा चले मजेदार हो, और चरखा चले मजेदार हो, लिख लिख भेजू मैं Oh,
जी इडियट कही के चलते हुए लड़के को ठेस मारते हुए डैडी कही के नौकर ये पढ़ी लिखी है तुम्हारी की तरीके से बदतमीज नहीं है खा गए साले फालतू में चार टमाटर छोड़ तो पहुड़ी उठी है पढ़ी लिखी रे तुम्हारे की तरह गंवार नहीं है जो साले छोटे मले कुछ कहिया रहा क्या कहना चाहते हो कह रहे तुम जाओ अब हम ते दो बातें गई जाहिर साले और कहते हो तुम यहाँ से जाओ हम बातें कर लें नौकर हमरा कहना मानो तुम यहाँ से जाओ हम इससे बात करेंगे हम कह रहे हैं कि तुम जाओ यार तुम जाओ हम इससे बात करेंगे तुम्हारे बात से नहीं बात बनेगी हमारे बात से बात बनेगी कहाँ जाई कहने का मतलब जाने के लिए पूछ रहे हो तो सामने वो देख रहे हो बंदा कहने का मतलब जाओ सामने बंदी पे बैठो जाकर के और जो बुर का पेड़ लगा हुआ है उसी की छाया में आराम से और आवाज दूंगा तुम फौरन वहां से चले आना ठीक है छोटे मालिक जैसे बबूरा अंदर अंदर बरती है ऐसे समझो बरती है भेजा मत खाओ बुलाए ले हो बुला लूंगा जाओ चलो निकलो चलो निकलो निकलो क्या खड़े खड़े मेरे मुंह तक रहे हो चलो जाओ हम ऐसे कहा तो और कहा तुम्हें बाप से कहते जी जाओ नौकर चला जाएगा सारा समझदार है थोड़ा थोड़ा अरे अरे नौकर हमारा बदतमीज है लेकिन पढ़ा लिखा नहीं है बड़े लोगों से कैसे बात की जाती है गवार है बिल्कुल हमका लागत फिर हुए आए कि नहीं जब चाले उसी रास्ते पे वापस आओगे तो वहीं आओगे कहाँ जाओगे आवे आवे कर बहाना रहे कहरन बुलाए ले हूँ कहीं मेरे रास्ते में आपको रोकना कैसे कहने का मतलब हम नौकर की तरफ से आपसे मैं माफी मांगता हूँ लेकिन आपसे मैं कुछ जानना चाहता हूँ क्या जानना चाहते हो कहने का मतलब अगर आप कहती हो तो जरूर पूछ करूंगा अरे अरे नाम क्या है तुम्हारा बता दीजिए है तुम्हारा बता दीजिए किसकी हो तुम बहन ये हमको सुना जरूर बताऊंगी और सुमन के नाम से जानी जाती सुमन के नाम से जानी जाती हूँ तुम्हारा नाम सुमन है तुम मोहन की बहन हो लेकिन आपसे मैं कुछ कहना चाहते हैं क्या कहना चाहते हो क्या तुम्हारी तारीफ करो कभी कम है अरे सुमन जी वाकई में तुम्हारी आंखों में करिश्मा कोई जरूर है अरे सुमन जी वाकई में तुम्हारी आंखों में करिश्मा कोई जरूर है जो देख ले एक बार हो तरसता ए सुमन जी आपके बदन के कपड़े अच्छे अच्छे जम रहे हैं हाय हाय अरे चुस्त कपड़ा मस्त जवानी क्या सुनहरी जाल है भगवान का सब अगर किसी आशिक की नजर तुम्हारे बदन पे पड़ जाएगी वो आशिक पागल हो जाएगा अरे वाकई नहीं तुम बहुत स्मार्ट लगती हो अरे चुस्त कपड़ा मस्त जवानी क्या सुनहरी चाल है आंख मलुका नाक है गाजर क्या टमाटर
करूं कम ही कम है वाकई में। ये शिवन आपसे कहना क्या चाहते हैं, अब भी जवानी हम झुलम कर गई है, ए शिवन हाय झुलम कर गई है आपकी जवानी। शिवन हाय झुलम कर गई हाय जालिम जवानी, मुस्कुराओ गले से और लगा लो मुझे वक्त कट जाएगा बात। मानो कहना मेरा साथ मेरा चलो और रचा भरा जवानी तो जहां के तुम अपनी बहन के कदम और अपनी बहन के कदम जाके बोते रची नीचे लग जाएगी दूर हो दी पति के और तेरी को उच्च हबी तू अपनी निकाल दे जानम आज खराब प्यार हुई आज ये जानम खराब प्यार है तेरे ऊँटों पे मन मन मुस्कान है शरबती आंखें अल्लाह का ये नजर इसने बोला तेरा क्या ये सुमन। अरे कुछ लोगों ने सही कहा है, अरे जान दे दी मर मिटे जिसकी मोहब्बत मर मिटे जिसकी मोहब्बत के लिए उस सितमगर ने जवाब दिया सख्त नकार बोल मेरा प्यार शिकार है इनकार है। प्यार की बातें करते हो, अरे प्यार की बातें तो रही दूर तुम्हारी जैसी शक्ल पे सुन अरे छोटे भोसड़ी के तूने मेरी सूरत पे थूक करके अच्छा नहीं किया सुमन। आज ये कोई नागेश्वर का मुख थूकता नहीं है जो तूने थूक दिया है, आज इसी अपमान का बदला तेरी जवानी से ना चुकाऊंगा तो मेरा नाम ठाकुर नाग सिंह मैं जोर मचा दूंगी। शोर कोई नहीं बचाने आएगा, बचाने वाला मेरा भगवान की भोसड़ी के भगवान, क्या के भगवान हम खुद हैं। लोग
सुबह शाम प्रतिमा बनाकर हमारी पूजा करते हैं और तू भगवान की बात करती है। भगवान को गाली देके तेरे मुख में कीड़े पड़ जाएंगे। कोई नहीं आएगा। कपड़े खोल। और ये जमाना भी जेल की ठंडी ठंडी हवा खाओगे। तलार तेरा आग पाला पड़ा मर्द से, आग पाला पड़ा बाजुआ का मुझको दिखाता तमा कद पीछे को प्रो अरहटा नहीं बस कर दो तेरा करोड़ा काम में हड्डी बनने के लिए है तो शायद हमें नहीं जानता है। मैं इसी शहर शांति नगर का रहने वाला हूं। अजय स्वेटर को जानता है जो तेरे जैसे गुंडा मवाली के पीछे डंडा डालकर निमसर के 17 रुपए गर्मा करवा दी थी। उन्हीं का छोटा भाई हमारा नाम राजेश है। बहुत तारीफ ठुक रहे हो। अगर हमारे बड़े भाई को जानोगे तो तुम्हारी पतलून ढीली हो जाएगी, तुम्हारी पैंट नीचे आ जाएगी। क्या नाम है तुम्हारा? जानना चाहता है शहर शांति नगर की जनता उन्हें प्यार से क्या कहती है। जिस तरफ से हमारे बड़े भाई गुजरते हैं तो शहर शांति नगर की जनता नहीं कहती है वो जा रहे मंत्री रामो का। मैं छोटा कहने का मतलब यहाँ की शहर शांति नगर की जनता मिलाती है हमसे सुर में सुर और मुझे लोग कहते ठाकुर नागेश्वर। तो ठीक है यहाँ से निकलो। मंत्री जी की बहुत बड़ी कद्र करता हूँ, उनका मान सम्मान करता हूँ। काश मंत्री के छोटे भाई नागेश नहीं होते तब तक पैर से जूता निकालता, इतने जूते तेरे सर पे मारता, भविष्य में औलाद सब गज। बेटा मत बिना अपने घमंड अपने बदन पे लाओ, इतनी बाजुओं में इतनी ताकत मत लाओ कि एक दिन तुझे पछताना पड़ता है, ठीक समय से चश्मा नहीं लगा पाओगी। आज आज तो मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से, जा रहे हैं, तकरार में नतीजा नहीं निकलने वाला है। अरे तुमने इसको बचा करके अच्छा नहीं किया, अरे बचा कर सुमन को तूने दिया रे हमको दावत है, बचा कर सुमन को तूने दिया हमको दावत है, तुझे बर्बाद कर दूंगा कहिया। हमें धमकी दे रहा है, वक्त की बात है तो वक्त की बात है। अरे वक्त की बात है, कौन छेड़े इस दिलेर को, आज वक्त की बात है। हाँ, मेरे पास पिस्टल नहीं है तो नैनीताल तुम नहीं है
यहाँ से तुम्हारी लाज जाती है। अरे वक्त की बात है, कौन से दिलेर को, और वक्त बदल जाता है तो कुत्ते भी घेर लेते हैं।